देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस इसमें भी किया था, तो इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर ए सी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल हूज सेंटर इज एट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड ऑन ए ओ एज अ डायमीटर। ये एक स्मॉल सर्कल है जिसमें ए ओ क्या है, डायमीटर है। ए ई इज ए कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, ए ई जो है वो लार्ज सर्कल की कॉर्ड है। इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट बी, जो बी को स्मॉलर सर्कल को बी पॉइंट पर काट रही है। प्रूफ करना है आपने ए बी और बी ई क्या है, इक्वल है। तो देखो प्रूफ में सिंपल चीज आपके पास, ज्वाइन ओ बी, अगर मैं ओ बी को ज्वाइन कर लूं, ठीक है, ज्वाइन ओ बी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। देखो स्मॉल सर्कल में, ये स्मॉल सर्कल में ए ओ इज अ डायमीटर, आपके पास ये दिया हुआ है ए ओ इज अ डायमीटर, तो ये एंगल बी क्या होगा, 90 होगा। ओके, अगर ये 90 है, ठीक है, अगर ये एंगल 90 है, तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज बी बाइसेक्ट, बी क्या करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड ए ई, दैट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ई। बी बाइसेक्ट क्यों करेगा, देखो इसका रीजन है हमारे पास, ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरम की है, फर्स्ट पार्ट में आप देखो जाके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरम की थी, ठीक है, जब आप सेंटर से, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, मे बी दिस इज सेकेंड थ्योरम जो भी है, ठीक है, जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोण, ठीक है। देखो अगर आप इस स्मॉलर सर्कल को रफ कर दो, तो आपके पास क्या बचा है, ये ऐसे बचा है, स्मॉलर सर्कल को रफ कर दिया, जिससे सेंटर, ये आपके पास एक कोण है ए ई, और ये क्या था, ऐसे आपके पास मिल रहा था जो क्या था बी पॉइंट। तो अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ओ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये जो ओ बी है वो बाइसेक्ट करता है ए ई को, ये हमने ऑलरेडी इन सेकंड थ्योरम में किया हुआ है, ठीक है, तो ये रीजन था इसका। तो हम लिख सकते हैं ए बी एंड बी ई आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए स्केल इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड द सेकंड इज द रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन ए स्केल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल इज स्केल। और जो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इसके अंदर जो पैरेललोग्राम है आपके पास, इसके अंदर जो पैरेललोग्राम है, ये लेट ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरलर, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स होंगी इसकी पैरलर होंगी, क्योंकि ये आपके पास पैलोग्राम है और इक्वल भी होंगी, पैलोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरलर और इक्वल होती है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो पैलोग्राम होगी सर्कल के अंदर वो रेक्टेंगल होगी, आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। देखो कोई भी पैलोग्राम है उसको हम रेक्टेंगल तब बोलेंगे, ठीक है, अगर उस पैलोग्राम के सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, यानी कि मुझे ये सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। ओके आ जाओ प्रूफ में, देखो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम, ठीक है, पैलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल आर इक्वल, ठीक है, इसलिए आपके पास एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, ठीक है। एक चीज और देखो यहां पर, ठीक है,
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये जो आपके पास ए बी सी डी पैरोग्राम है ये साइक्लिक क्वाड्रेटर भी है और साइक्लिक क्वाड्रेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। ठीक है आ जाएगा ए बी सी डी के आपके पास साइक्लिक क्वाड्रेटर हम यहां लिख देंगे एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे कौन से एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के हैं। देखो यहां से देखो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है और ये चीज देखो एंगल बी और एंगल डी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना जाएगा 180 क्योंकि एंगल सी किसके इक्वल है एंगल ए के इक्वल है तो मेरे पास क्या जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना गया 90 डिग्री। वैसे ही आपके पास देखो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है 180 डिग्री बट एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना गया 180 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो एंगल बी 90 आ गया तो एंगल बी कितना गया आपके पास 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 तो मैंने प्रूव कर दिया ऑल दीज एंगल्स आर 90 ए बी सी एंड डी आर 90 तो जिस पैरेलोग्राम के कॉर्नर एंगल 90 हो हम उसे क्या बोलते हैं वो क्या है रेक्टेंगल। हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी को जगह आपके पास रेक्टेंगल ये हमने रेक्टेंगल प्रूव कर। ओके देखो नेक्स्ट पार्ट है इन सेकंड पार्ट आपको बोला है कि आपने क्या करना है। ओके आपने मैं नाम चेंज कर रहा हूँ फिगर सेम ही रख रहा हूँ लिखा है द रोम्बस इंस्टाइड इन ए सर्कल मैंने ले ली पी आप ए बी सी डी भी देख सकते हैं पी क्यू आर एस जो मजे लिख लो द रोम्बस इंस्टाइड इन सर्कल पी क्यू आर एस क्या है रोम्बस तो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस ये आपको गिवन दिया अगर रोम्बस है तो ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। ओके ये सभी क्या है साइड्स इक्वल है और यहां देखो बोला आपको लिखा है कि ये क्या होगा स्क्वायर होगा टू प्रूफ आपने क्या प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। ठीक है देखो अगर रोम्बस के कॉर्नर एंगल्स 90 नहीं होते हैं अगर मैं इस रोम्बस इसके इस फिगर के कॉर्नर एंगल 90 प्रूफ कर दूं ठीक है तो इसमें सभी एंगल अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं ये एंगल अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं ठीक है तो ये आपके पास जो फिगर बने ये जो बना हुआ है ठीक है इसमें सभी साइड्स इक्वल है और सभी कॉर्नर एंगल 90 है सभी साइड्स इक्वल है गिवन है क्योंकि रोम्बस है और मैंने क्या प्रूफ कर दिया सभी एंगल्स क्या है 90 तो हम पी क्यू आर एस को क्या बोलेंगे ये क्या होगा आपके पास स्क्वायर होगा तो बिल्कुल सेम प्रूफ है। ठीक है तो देखो प्रूफ में इसका जो प्रूफ है एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू देखो आपके पास ये रोम्बस है रोम्बस पैरेलोग्राम भी है तो और क्या गिवन है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेलोग्राम आर इक्वल। देखो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं आर सप्लीमेंट्री वो क्या होते हैं आपके पास सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके तो देखो एंगल पी और एंगल आर बराबर मैं लिखता हूं एंगल पी इसको यूज करो प्लस एंगल आर की जगह एंगल पी
इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। एंगल पी कितना आ गया, टू एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर वन। ठीक है, और एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी और एंगल आर कितने आ गए 90 डिग्री, नंबर वन। दूसरा, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल क्यू एंड एंगल एस आर इक्वल, तो एंगल क्यू और एस की जगह मैं एंगल क्यू लिख देता हूँ 180 डिग्री। देन टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू एंड एंगल एस आर इक्वल। ठीक है, दोनों के आ गए ये 90 डिग्री। ओके, अब देखो इन दोनों को देखो, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90। और एक ये चीज है, यहां लिख रहा हूं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। ठीक है, ये जो पहले ये जो अंदर रोम्बस बन रही है, सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल 90 है। ठीक है, तो हेंस पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का प्रूफ सेम ही है। ठीक है, अगर आप ए बी सी लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, तो सेम ही चीज उठा के यहां पर आपने लिख लेनी है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, आपके पास फिगर दिया है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, प्रूव दैट डी ई सी बी इज एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। ये आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होगा, DECB। ट्रेपीजियम टू साइड्स पैरेलल, तो ये तो पैरेलल नहीं लग रही, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको रफ जैसा आइडिया, आपको प्रूफ करना पड़ेगा DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम तो दो साइड्स इक्वल होंगी, हम अंडरस्टूड है ये दो साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू EC, तो आपने ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, ये रफ आइडिया था, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपके पास ये जाएगा आइसोसेलिस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, अब देखो गिवन में आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, मैं इसको दे रहा हूँ नंबर, एंगल वन दिस इज एंगल टू, एंगल थ्री फोर, ये ऊपर फाइव और ये एंगल सिक्स, दिस एंगल इज सिक्स एंड दिस एंगल इज फाइव। अब देखो अगर ए बी, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, यहां पर ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इंप्लाइज एंगल ए बी के ऑपोजिट क्या, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज आ गई। देखो और हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बी सी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और देखो बी सी ई डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम ऑफ या ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो एंगल वन और एंगल फोर इक्वल है, सॉरी एंगल वन और एंगल फोर का सम 180 है और एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल वन की जगह एंगल टू लिख दूं, एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट इंप्लाइज बी सी इज पैरेलल टू डी ई। रीजन देखो मैंने क्या किया, ये दोनों एंगल का सम मैंने 180 प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल। ठीक है, जब इंटीरियर एंगल जो होते हैं
पैरेलल लाइन के सेम साइड पर, अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन, उनका सम 180 आए, तो हम क्या बोलते हैं ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, इंटीरियर एंगल ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या है, बी सी और डी ई पैरेलल आ गए। अब देखो बी सी और डी ई पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये क्या है आपके इक्वल। ओके, अब देखो देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल है, ये आपके पास ऑलरेडी, अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज एंगल 5 है इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। यहां से नंबर 1 कहां से आया, ये फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर रफ कर रहा हूं, अगर आपके पास एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल 5 के ऑपोजिट देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल प्रूफ हो गया, तो यहां से एंगल 5 के ऑपोजिट क्या साइड है, एंगल 5 के ऑपोजिट है ए एंड एंगल 6 के ऑपोजिट है ए डी, रीजन क्या जाएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। अब आ जाओ, आपको गिवन था, क्या गिवन था, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये देखो ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये गिवन था, तो ए बी को मैं लिख सकता हूं ए डी प्लस डी बी एंड ए सी को ए प्लस ई सी लिख सकते हैं, आ जाओ, एंड ए डी प्लस डी बी ए किसके इक्वल है, ए डी, तो ए डी लिख दू प्लस ई सी, कहां से आया, फ्रॉम सेकेंड ए इज इक्वल टू ई डी। ओके, तो देखो ए डी और ए डी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू ई सी, देख लो डी बी थोड़ी इजी प्रूफ करना था, और डी ई और ई ई बी सी पहले प्रूफ करने थे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया कि आपके पास डी बी और ई सी आपके पास इक्वल है, और मैंने डी ई और, ठीक है, डी ई और बी सी पहले प्रूफ किए थे, ठीक है, हेंस क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू ई सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बी सी ई डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसलिए यहां से ये क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम प्रूफ हो गया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टू कोर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी इनसाइड द सर्कल, देखो आपके पास एक सर्कल है, टू कोर्स ए बी एंड सी डी, ये मैंने ए बी कोर्ड ले ली एंड द कोर्ड सी डी इंटरसेक्ट पी इनसाइड द सर्कल, ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके ये इंटरसेक्ट कर दी, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द आर्क्स, ठीक है, टू प्रूव
प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क्स एसी एंड बीडी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये मैंने मान लिया सेंटर ओ ले लिया, ठीक है, आर्क एसी, आर्क एसी सेंटर पर ज्वाइन बना रही है, मान लो ये एक्स बना रही है, तो आपने क्या प्रूफ करना है, एंड द आर्क बीडी, तो बीडी ये बी, ये डी आ गया और ये बी पॉइंट, ये वाई। ओके देखो फिर सुन लो, टू कोर्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द आर्क्स ए सी एंड बी डी एट द सेंटर ओ, आर्क ए सी, ये जो आर्क है आर्क ए सी, ठीक है, आर्क ए सी एंड आर्क बी डी, ये जो आर्क है आपके पास, ठीक है, ये दोनों सेंटर पर क्या एंगल बना रही हैं, एक्स और वाई। तो आपको प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ए पी सी, जो एंगल ए पी सी है उससे ट्वाइस होगा ए पी सी, ए पी सी ये जो एंगल है जेड, ठीक है, ए पी सी ट्वाइस ऑफ जेड, आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए सी एट द सेंटर इज एक्स एंड द आर्क बी डी एट द सेंटर इज वाई इज इक्वल टू, आपने क्या प्रूफ करना है, टू जेड के इक्वल प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ, देखो इनमें प्रूफ करने के लिए आपने थ्योरम्स का यूज करोगे, तो आप देखो आपके पास दिया एंगल जो है वो सेंटर पर सबटेंड हो रहे हैं, देखो आपके पास जो ये जो आर्क ए सी सबटेंड कर रही है सेंटर पर एंगल, ठीक है, और कहां पर सबटेंड कर रही है, देखो ए सी आर्क, ए सी आर्क ऐसे सेंटर पर एंगल कर रही है, और ए सी आर्क कहां पर जा रही है, और तो नहीं जा रही है आपके पास, ये आ सकता है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं ज्वाइन बी सी, ठीक है, ज्वाइन बी सी, मैंने ये मान लिया एंगल क्या है ए। ओके तो देखो एक्स इज इक्वल टू टू ए, अब देखो ढंग से ए सी यहां बना रही है एक्स, और ए सी मैंने बी सी को ज्वाइन किया और ये बना रही है यहां पर, ठीक है, आर्क ए सी सेंटर पर एंगल बना रही है और आर्क ए सी ही कहीं और पर ये एंगल बना रही है, वो क्या है ए, तो ये क्या होगा ट्वाइस होगा, ठीक है। और एंगल वाई, ये देखो सेंटर पर एंगल बन रहा है बी डी, बी डी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है, ठीक है, और ये बी और ये बी डी, ये भी एक एंगल बना रही है, दैट इज योर, मैंने बी मान लिया, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल वाई इज इक्वल टू टू बी, ठीक है, लगा पता क्यों, देखो ए सी सेंटर पर एंगल एक्स बना रही है और ए सी ही यहां पर बी पॉइंट पर एंगल ए बना रही है, तो एक्स क्या होगा सेंटर पर एंगल ट्वाइस होगा किससे, ए से, और बी डी आर्क सेंटर पर एंगल वाई बना रही है और बी डी आर्क ही आपके यहां पर सी पॉइंट पर क्या बना रही है एंगल बी, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से माना है, तो ये जो वाई होगा वो ट्वाइस होगा किससे, इस एंगल से, क्योंकि ये सेंटर पर है, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये इसका रीजन आ गया। अब आपको क्या पूछा है, इन्होंने प्रूव दैट एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो इनको एड कर दो, एड एडिंग, ठीक है, ऑन एडिंग एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b और x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। अब देखो प्रूफ में आपको x प्लस y आ रहा है लेकिन a प्लस b की जगह z चाहिए, अब देखो a प्लस b की जगह z कैसे आ सकता है, ठीक है, देखो
इन ट्राइंगल पी बी सी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्सटीरियर एंगल जेड क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, ये ऐसे ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ठीक है, ऐसे बन रही है। तो ये जेड है, ये पी पॉइंट था, ये सी, ये बी, ये एंगल क्या आपके पास बी, और ये एंगल क्या आपके पास ए, तो जेड क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पी बी सी। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इसका रीजन था। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू जेड, हेंस प्रूव, आपने ये प्रूव करना था। ओके okay?